हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अपन सभी को सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपनी पहली चलेगा इस गॉड लाइक ऑफिशियल को लेकर। तो गाइस गॉड लाइक ने इंस्टाग्राम पर अपडेट दिया कि उनकी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आने वाली है अपनी नेक्स्ट अपडेट आदि के डेस्ट्रो को लेकर। तो डेस्ट्रो से इंस्टाग्राम के उन्होंने ये पूछा कि कोई न्यू प्लेयर ऐड होगा क्या, तो डेस्ट्रो ने ये बोला अभी तो सिर्फ 4 मैन लाइनअप ही रहने वाली है अपनी नेक्स्ट अपडेट आदि के इस BGMI को लेकर। तो गाइस मैंने आप सभी को एक न्यूज़ दी थी कि 6 तारीख से पहले अगर आपने अभी तक डेटा ट्रांसफर नहीं किया है तो आप लोग डेटा ट्रांसफर कर लेना क्योंकि 6 तारीख के बाद डेटा ट्रांसफर टेम्परेली बंद हो जाएगा। तो गाइस वो डेट अब एक्सटेंड होकर 6 तारीख से 9 तारीख हो गई है, यानी कि गाइस अब आप 9 तारीख तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अपनी नेक्स्ट अपडेट आएगी इस मावी को लेके। तो गाइस मावी की यूट्यूब अर्निंग 1 मंथ की रिवील हो गई जब वो स्ट्रीम कर रहे थे, जो कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख ही सकते हो, जो कि है अराउंड 3.5 लाख। अपनी नेक्स्ट अपडेट आएगी स्मोकी को लेके। तो गाइस आईटी प्रिंस से पूछा कि स्मोकी C9 को ज्वाइन करेंगे या फिर स्काइलाइट्स को ज्वाइन करेंगे, तो आईटी प्रिंस ने तो ये बोला कि वो C9 को तो ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन शायद वो स्काइलाइट्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट आ रही है न्यू को लेके। तो गाइस न्यू ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि उन्होंने ग्राइंड स्टार्ट वापस कर दिया है अपनी नेक्स्ट अपडेट आ रही है गॉडल के 5th प्लेयर को लेके। तो गाइस आईटी प्रिंस ने बताया कि गॉडल का 5th प्लेयर कौन होने वाला है, तो प्रिंस ने क्या कुछ बोला वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख ही सकते हो। गॉडल का लाइनअप होगा जो TSM का था, जो घातक वाला, घातक नहीं होगा उसमें, बस 5th प्लेयर एस पावर होगा। जैसे कि आप सभी ने देखा कि प्रिंस ने बोला कि एस पावर होंगे, एंड गाइस यानी कि जो घातक है वो अपन को कॉम्पिटिटिव खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे गाइस एक बात है क्योंकि जो एस पावर है वो अभी कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं खेल सकते क्योंकि वो अभी अंडर एज है। तो इस देखते हैं कि जो TSM के एक्स प्लेयर्स हैं उनके साथ अपन को कौन से और न्यू प्लेयर खेलते हुए देखने को मिलता है, जो भी इससे रिलेटेड मुझे अपडेट्स मिलेंगे वो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा अपनी नेक्स्ट अपडेट आएगा इस BGMI के iOS वर्जन को लेकर। तो गाइस कुलदीप ने ट्वीट करके ये बताया कि जो BGMI है iOS के लिए वो आज लॉन्च हो सकता है, एंड माजिक ने भी ये बोला कि मोस्ट प्रोबेबली आज गेम लॉन्च हो सकता है, एंड गाइस ऋषभ ने भी यही बोला कि आज गेम लॉन्च हो सकता है, और उन्होंने कुछ टाइमिंग्स बताई कि इन टाइमिंग्स पे गेम आज आ सकता है, वो टाइमिंग्स आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर अभी देख ही सकते हो। लेकिन गाइस आप क्लासिफाइड YT को जानते होंगे, उन्होंने ये बोला कि उनको नहीं लगता कि जुलाई के अंदर गेम आने वाला है। तो क्लासिफाइड YT ने क्या कुछ बोला वो आप खुद ही देख लीजिए। बात करते हैं iOS यूजर्स की, तो कई लोग सोच रहे हैं कि चलो फिर 8 को शायद iOS में गेम आ जाएगी, 9th को आ जाएगी। तो जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है गाइज, मैंने अपने पिछले वीडियो के एंडिंग में भी बताया था, शायद बहुत लोगों ने वहाँ पे नहीं सुना होगा, बहुत पहले लोग वीडियो स्किप करके एग्जिट कर जाते हैं। तो गाइज iOS पे गेम आने के लिए टाइम लगने वाला है, एंड जुलाई के महीने में तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि iOS पे गेम आएगी। अगस्त के महीने में मे बी मिड अगस्त या फिर अगस्त एंड, जैसे ही डेट वगैरह पता चलेगी आपके साथ मैं शेयर कर ही दूंगा। बट गाइज जुलाई के महीने में चांसेस बहुत कम है। एंड और एक चीज़ गाइज मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स का एक लॉन्च टूर्नामेंट भी होने वाला है ऑर्गेनाइज, जिसके बारे में आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी, काफ़ी जगह पे चीज़ शेयर हुई थी, एंड ऑफिशियली आपको BGMI के YouTube चैनल एंड सोशल मीडिया हैंडल्स में भी बहुत ही जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा। एंड वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि गाइज एंड्रॉयड डिवाइस अरेंज करिए क्योंकि iOS में फिलहाल तब गेम अवेलेबल नहीं रहेगी। एंड गाइस स्नैक्स से भी जब पूछा गया कि BGMI iOS के अंदर कब आएगा, तो स्नैक्स ने क्या कुछ बोला वो आप खुद ही देख लीजिए। सही किया ना, iOS में कब आएगा, नो आइडिया, बहुत वेट कर लिया, कुछ आइडिया नहीं है कब आएगा, क्या है किसी को कुछ डेट नहीं पता। मैंने एक बार पहली बार पूछा था, लाइक फर्स्ट टाइम ऑफिशियल्स को पूछा मैं कब आएगा, तो वो लोग बोले अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किए, मतलब टाइम भी लग सकता है, क्या पता कल ही आ जाए, क्या पता 10 दिन बाद आए, क्या पता 1 महीने बाद आए। तो इसके लिए देखते हैं कि अपन को जो BGMI iOS डिवाइसेस के अंदर आज देखने को मिलता है या फिर अपन को कुछ और आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलता है। अपनी नेक्स्ट अपडेट आएगा इस पंक को लेके। तो गाइस पंक ने अपडेट दिया कि वो अभी बूट कैंप पे हैं। अपनी नेक्स्ट अपडेट आएगा इस जोनाथन को लेके। तो गाइस जोनाथन इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि उन्होंने स्ट्रीमर बैटल के लिए ग्रैंड चालू कर दिया है। तो यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। में उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। Till then, spread positivity.